मम्मा की दाढ़ी है, ये मजाया है। तो इनका नाम और मेरा नाम सेम है, अमित नेगी। तो ये समझ लो आज अमित नेगी की मेहंदी है, लेकिन इनकी है। वाह ये देखो, हे ये क्या है, ये क्या हुआ है प्रभु? गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। आज बहुत दिनों बाद धूप लग रही है, लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही थी और मामी के भाई की शादी है तो हमने आज वहाँ मेहंदी में जाना है। ऊपर देखो गाड़ी ने हॉर्न बजा दिया है। टॉमी, हेलो टॉमी शेरा। दोस्तों साक्षी भी कल नानी के घर पहुंच गई थी और साक्षी के लिए स्पेशल गिफ्ट आ रखा है दुबई से, अल्ट्रा वॉच। आप देख सकते हो साक्षी के और पास सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट आ रखा है। हम तीन महीने में मेरी मौसी की बेटियां भी, हम तीनों सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट आ रखा है। बाकी दोस्तों जो आज की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वो इसी फोन से हो रही है, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। आज मम्मा की शादी है, मैं मामा के घर जाऊंगा। और काना दोस्तों रेडी हो चुका है, एकदम हीरो लग रहा है भाई, सूट बूट में है। क्या मैं मम्मा की शादी में जा रहा हूँ? अच्छा जी, मैं हीरो हूँ। हाँ हाँ हीरो नहीं, जीरो है तू। कौन लाया इसको? पापा। मुझे दे दे यार। छोटा छोटा है ये। बड़ा कहाँ से चाहिए तब? गुड बॉय, परसों तक काटने आ रहा था। अभी दोस्तों काना लोग तो जाएंगे गाड़ी में, मैं और मामा जाएंगे बाइक में, तो इस वजह से इनको गाड़ी में छोड़ते हैं। इसको देखो कितनी जल्दी हो रही है। बाय मामी, हम भी आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ बाय। हम लोग जाएंगे बाइक और स्कूटी से, ये गोपी की स्कूटी है। जब पूरी फैमिली साथ रहती है तो ऐसी खुशी का माहौल रहता है, तो आज हम भी जाने वाले मस्त मेहंदी में। गोपी एक्साइटेड है बहुत। इसको ना कुछ भी करो ना ये ऐसे उंगली दिखाता है दो। ये क्या है भाई? दोस्तों अभी ऐसा लग रहा है कि फिर से बारिश होने के चांस है। पीछे का पूरा माहौल देखो, जितनी भी ये वाष्प ऊपर जा रही है फिर से बारिश होगी ऐसा लगता है। नजारे देखो दोस्तों कितने गजब के दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे हेलमेट और बैग भी रेडी हो चुके हैं, कि हम सभी लोग भी रेडी हो चुके हैं। अब निकलते हैं सीधे यहाँ से क्यूंजा कंडरा, क्यूंजा गांव में जाना है हमने। एक्साइटेड हो? यस। चलें फिर। चलो। तो नानी जी भी घर पहुँच गई हैं। बाकी देखो भाई, नानी को पूरी घर की जिम्मेदारी संभालना होगा और हम सभी तो शादी में जा रहे हैं। पोर्शन मेरा भैंस छना घर पुरुष सब कुछ। हाँ तो देखो भाई, इतनी सारी चीजें संभालनी होती है। पहाड़ी लोग घर कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। बेटे तब नैनी प्रणाम। तो हमारे साथ लोल हो गया, लगातार 2-3 दिन से बारिश आ रही थी। जैसे मैं अपने गांव में पहुंचा, मुझे कुछ काम था, उसी रास्ते हमने अगस्त मुनि जाना था, लेकिन यहाँ से ठीक सामने देखो भाई रोड ब्लॉक हो चुकी है परमानेंट। इतने सारे पत्थर आ गए हैं, क्या बताएं, किस्मत खराब है, पता नहीं कब पहुंचते अब हम। तो गाइस अभी हम काफी आगे अगस्त मुनि के ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ से अगस्त मुनि का नजारा काफी गजब का दिखाई दे रहा है। जब हम कार्तिक स्वामी गए थे तो इसी रास्ते गए थे। शादी में जाने से पहले थोड़ा होलिया सही कर देते हैं, मिलते हैं आपको सीधे बाद में। तो दोस्तों अभी बाल बन के रेडी हो चुके हैं, साथ में दाढ़ी भी बन गई है। कमेंट में जरूर बताना थोड़ा ठीक लग रहा हूँ कि नहीं। विनोद और तनीष भी मिल गए हैं, ये भी हमारी बीच वाली मौसी के लड़के हैं। अभी हम सभी लोग पहुंच चुके हैं क्यूंजा गांव में। पहली बार इस शादी में आ रहा हूं, मामा की शादी मैंने अटेंड नहीं की थी, उस टाइम सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। बाकी चलें फिर। चलो चलो। पहुंचे हैं यहां और यहां देखो भाई अभी तक शॉपिंग चल रही है यहां शादी की। आज मेहंदी है जबकि है मामा। हेलो काना, प्रणाम नहीं करेगा? प्रणाम। हेलो काव्य भी आ गए यहाँ। ना ना हो गया हो गया हो गया। काव्य के सू ये देखो भाई अपने पापा के पास चला गया। और मामी कर रही है आज शॉपिंग। ये कोई टाइम, ये कोई समय है शॉपिंग का? मामा कुछ लाए नहीं, बोल तुम मामी के लिए। तो मामा बोल रहे हैं जो चैन थी वो मामी के लिए ही थी। ये देखो साक्षी भी,
पहले तो ये मना कर रही थी आने के लिए, फिर अचानक क्यों आई? मामी नहीं आ रही थी मेरे बिना। लो दो चॉकलेट हो, अब पापा आ गया। पापा चॉकलेट हो ही है, मम्मी चमार दे ही है। तो यहाँ केले के पेड़ बहुत हैं भाई, ये हमको अपनी नानी के यहाँ ले चलता है। अभी दूल्हे राजा के घर पे पहुंच चुके हैं। बहुत से लोग सोच रहे थे कि मेरी शादी के कार्ड छपे, लेकिन नहीं, इनके बहुत बहुत बधाई हो आपको। इनका नाम भी अमित नेगी है, तो कार्ड में ये था अमित नेगी। कल जाएंगे इनकी लव मैरिज में, लव मैरिज है कल, आपको पूरी डिटेल बताएंगे कितने साल पुरानी है। और बहुत शर्माते हैं भाई। उसको साक्षी का फोन साक्षी को मिल गया, तो देखो भाई इस टाइम भी एडिटिंग चल रही है साक्षी की। अभी दोस्तों जस्ट ऊपर वाले खेत में पहुंच चुका हूं, और यहीं पर सभी गांव वालों के लिए खाना बनाया जा रहा है। बाकी फिर से बादल आ गए हैं, लगता है रात को बारिश होने वाली है, बट भगवान न करे ऐसा हो। पहाड़ों में कैटरिंग सिस्टम कम ही होता है, यहां पे सब गांव वाले मिलके बनाते हैं। और इस साइड बनाई जा रही है सभी के लिए चाय, जो भी रोटियां बनाएंगे और जो भी खाना खुना बना रहे होंगे। मिलिए काना के नाना जी से। हेलो गाइस, बस अब कल मिलेंगे आपको ढंग से, आज बहुत बिजी है ना ये भी। बंदर का आतंक यहाँ भी है। और ये देखिए दोस्तों चाय बनके रेडी हो चुकी है, पहाड़ों में केतली पे चाय दी जाती है। और ये सभी जा रहे हैं जो भी रोटी बना रहे होंगे उनके लिए चाय देने के लिए। हेलो, पहली चाय मिली है साक्षी को, बहुत एडिटिंग कर ली, ठंडा हो रहा। साक्षी ने आज मेरी वीडियो भी एडिटिंग की, क्योंकि पुराना ब्लॉग मेरा इसी केस में है। और ये हमारी साली अमीषा करासी, पहाड़ों में साली को शाली बोलते हैं, तो शाली समझना। हाँ, साक्षी ने बोल दिया कि गाली लग रहा है, भले अजीब लग रहा है ना। अच्छा ठीक है, घर पे नहीं पीती है चाय, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो रही है ना। वाह ये देखो, हे ये क्या है, ये क्या हुआ है प्रभु। मामी यही ख्याल रख रहे हैं अपने लड़कियों का। हे का अभी दोस्तों हम दूसरी साइड पहुंच चुके हैं, और यहाँ देखो भाई सभी गांव वाले रोटियां बनाने के लिए आ रखे हैं। बाकी जिस दिन लड़के की शादी रहती है उस दिन पहाड़ों में कम लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि जिस दिन बारात आती है ना, जैसे पहले लड़की लेने जाते हैं फिर बारात लाते हैं, तो सभी लोग उस दिन इनवाइट रहते हैं। इसका मुंह भी धो दिया फिर भी धोना नहीं आया मामी को, यही काम। अरे रामो का बेटा बांदर बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ये हमारे ब्लॉग डेली देखते हैं, दिन भर के नहीं देखते। अच्छा रात को टाइम मिलता है, ठीक ठीक। क्या मामी का मिलन भी आज हो रहा है सभी से। इस साइड भी ताई लोग रोटियां बना रहे हैं, तो हमारी साइड तो खेतों में बनाते हैं, यहाँ सब अगीठी पे बना रहे हैं घरी के बाहर। हर जगह का सिस्टम अलग रहता है, हमारी साइड ना खेतों में बनाते हैं सभी लोग रोटियां, यहाँ पे घर पे बना रहे अगीठी में। वो पहाड़ की महिलाएं कितना स्ट्रगल करती है मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो भाई पहाड़ों में ना सिलेंडर कुछ ऐसे ले जाना पड़ता है, ये देखो। अरे यार ये दीदी जी कहाँ चली गई। दोस्तों इस गांव वाले ही ऐसे रोटी बनाते होंगे, या फिर यही बना रही होगी ऐसे मोटर रोटा। काने को देखो भाई ऊपर, काने खूब मस्ती कर रहे हैं। दोस्तों जब से इसके पिताजी घर आए हैं ये अपने पिताजी की बात ही सुन रहा है, दूसरे की सुन ही नहीं रहा। ब्लॉग बना ले, ब्लॉग बनाएगा ही नहीं। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और सनसेट भी होने ही वाला है, ये देखिए। ये रहा इनका सरसों, सरसों का साग मक्के की रोटी, ये तो सूख गया है, ये कच्चा ही तोड़ के लाए। ये देखो ये गांव की नई नई दुल्हन है। अच्छा अब मैं था यहाँ, ये अपने मायके आ रखे हैं। अच्छा आज रात का जो प्रोग्राम है वो यहीं पे होने वाला है। अभी रात के 7 बज चुके हैं और यहाँ अभी तक रोटी नहीं बनी है, क्योंकि आदमी ज्यादा हो गए और रोटी बनाने वाले बहुत कम हो गए, खाने वाले ज्यादा और बनाने वाले कम। इनका 5वां पाथा है, यो पाथा में कितने किलो है, एक पाथे में कितने किलो होते हैं? 2 किलो, मतलब ये 10 किलो आटा गूंद के अब रोटियां बना रही है ये। मामी की मेहंदी देखो, ऐसे कौन मेहंदी लगाते इतनी खतरनाक, ये बाबा।
हाँ ये तो बहुत एटीट्यूड महसूब हो से अपने नाना के यहाँ ज्यादा बन रहा है। हेलो गाइस हाय, ये रोन बेटी है, रे रामो अब रील बनो, अब रोन बेटी से जस्ट बगल में नानी जी भी रहते हैं जो कि हमारी वीडियो डेली देखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनका घर ये बैक वाला है, चाय पीने आएंगे आपके घर। तो रात का समय हो चुका है और ऊपर की साइड खा रहे हैं घर के मेहमान खाना। सर देखो सारे बुजुर्ग लोग, ये तो देखो दादी लगे यहाँ बीड़ी फूकन पर, और ये खाना लाए हम इनको स्पेशल अंदर पे। ठीक ठाक जी तुम सभी? बस कन लग ब्योमा जड़ हुएगी दोस्तों, यही लाइफ होती है। बचपन से कब बुढ़ापा आ जाता है पता ही नहीं लगता है। 60-70 साल से ऊपर वाले यहाँ पे। हाँ दे हाँ सही बात है। एक बात तो सही कहा है दादी जी ने कि पुराने लोग इसलिए बहुत ज्यादा जीते थे कि क्योंकि बहुत मेहनती बहुत कर्मठ होते थे। हाँ दादी मेरे बाबा सब बात नहीं मेहनत बात है, बहुत मेहनत करते थे। अब तो यह है कि पहले तो मतलब कैसा भी खा लेते थे रूखा सूखा, पहले लोग तो बहुत दुख थे, अब तो सब सुख था। अब कितना भी अच्छा दे दो अब खाने को मन बना रहा है कि आप अब सौ पाँच सौ मैं जो पुरानी बुजुर्ग महिलाएं हैं ना उन्होंने बहुत दुख झेला है तब जाके आज तक वो अभी तक जीवित है। लेकिन जो अब नई पीढ़ी आ रही है ना उनको पहले के मुकाबले काफी सुख मिल गया है। गांव में सड़कें भी आ गई हैं, धीरे धीरे नेटवर्क आ गया है, मोबाइल फोन आ गए हैं। दूर दूर पहले तो चिट्ठी पत्री में बात होती थी, तो जमाना बहुत बदल गया है। पानी तक आ गया घरों में। कैसा लग रहा है मामी? लेकिन बारिश हो रही है, हे भगवान एक दो घंटे बारिश रुक जाए बस, एक बार मेहंदी हो जाए उसके बाद फुल इंजॉय करेंगे। दोस्तों पहाड़ों में कोई कितना भी खास मेहमान क्यों ना हो सब ऐसे ही खाते नीचे बैठ के एकदम रोटी। इसको मिर्ची भी लग गई और नींद भी लग गई। जा 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 हाथ धुका भैया, हाथ धो ले भाई साहब। रोटी रोटी खाओगे? रोटी रोटी रोटी। सुन सभी लड़कियों ने खाना खा लिया, ये इंतजार कर रही है बस मेहंदी का। जैसे ही मेहंदी कर बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, हमने सोचा कब डीजे बजे का हम डांस करेंगे थोड़ा गर्मी लगेगी। अच्छा जी ये मेहंदी भी आ चुकी है, चलें जी। चलिए दोस्तों अब मेहंदी की शुरुआत करते हैं। आज का जो सिस्टम है ना दोस्तों, यहाँ पे तो मेहंदी हो रही है, डीजे थोड़ा नीचे लगा रखा है, ऐसे में वीडियो बनाने में भी बढ़िया हो रहा है क्योंकि मेरा माइक घर रह गया। तो इनका नाम और मेरा नाम सेम है, अमित नेगी, तो ये समझ लो आज अमित नेगी की मेहंदी है लेकिन इनकी है। दोस्तों ढंग से मेहंदी लगी नहीं कि ये देखो भाई सभी लोग फोटो शूट पे आ गए। हे भगवान क्या बोलना इन लड़कियों को, अभी तक ये खर्चनियाँ लग रही थी और जैसे ही मेहंदी आई एकदम मेकअप मुकअप करके बढ़िया तैयार हो गई हैं भाई। लड़कियों का अलग ही सिस्टम रहता है दोस्तों, मेकअप के बाद इतनी खतरनाक लगती है ना, ऐसा लगता है कि भाई हीरोइन से कम नहीं। अभी आ चुके हैं दूल्हे राजा के मम्मी पापा, कैसे हो? बहुत बहुत बधाई हो आपको। सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ मैं, पूरी हैप्पी फैमिली है भाई, सभी जगह हमारे रिश्तेदार खुश रहो बस। अभी यूट्यूब अमित के यूट्यूब वालों का धन्यवाद देता हूँ मैं सबको, प्यार प्रेम जी बहुत बहुत वेलकम है सभी का। तो सबसे लास्ट में हम लोग खिंचा रहे हैं भाई फोटो, सबसे पहले हमने लेडीज को आने दिया क्योंकि बहुत घंटे लगाती हैं, लगभग एक घंटे तक उनकी फोटो खींची फिर हमारा नंबर आया। ये बात सही है, ये बहुत टाइम लगाती है भाई लड़कियां, चाहे तैयार होने में हो चाहे फोटो खिंचाने में हो। चलो जी अब हो गया उठो।
अभी यहाँ देखो फिर से लेडीज आ गई और इन सभी की फोटो लेते हैं, उससे पहले वीडियो बना लेते हैं। हाय करो सभी लोग। हेलो बोले राजा के बढ़िया से मेहंदी लग चुकी है, दिखाओ तो यार हाथ में। लवर का नाम क्या है? के। अच्छा कंचन, मैंने आपको बताया था, सबको लग रहा था कि मेरी शादी तो नहीं हो रही है, लेकिन भाई की शादी के कार्ड छपे हैं और लव मैरिज है, कल आपको दिखाने वाले हैं भाभी जी को। कैसा लग रहा है? बहुत शर्माते हैं यार, हद से ज्यादा, क्या बताना। अब चलते हैं दोस्तों डांस करने के लिए, दूल्हे राजा को भी ले जाते हैं। मामी यहाँ ऐसे लग रही है जैसे कि निखरना।